अच्छा दी, आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी क्रीमी वाला। तो मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। ये ब्लैक पेपर डाला है, 1 टीस्पून घर के लिए डाला, और 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ मैं गर्म मसाला। अगर मिर्च ज़्यादा रखना चाहे तो डाल सकते हैं ज़्यादा भी, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून खुशबू के लिए धनिया पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, और उसके बाद जी तंदूरी मसाला। ये तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ। इसके मुताबिक देखी जाएगा टेस्ट में आपको लगे। मेरा जो चिकन है ना उसकी मैरिंग है 900 ग्राम। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा इसके लिए बना घुट लीजिए कर ली। अच्छा जी, और 1 टीस्पून फुल भर के ये जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल दिए, और भर के एक एंड दो टेबलस्पून दही ले लिया है। लास्ट में लेमन कोई से भी ऐड कर लें। ये मेक श्योर कर लीजिएगा प्लीज कि ये ना इसमें से सीड्स निकल लें, इसके बीज जो है वो निकलते हैं। मैंने निकाल लिए। मैं वैसे लेती वैसे वो हूँ अमूमन जिनके अंदर सीड्स ना हो। तो ये है जी उसके बटर का सामान, चिकन तंदूरी मसाले का। ये लेमन का मैंने जो डाला है, सॉरी ये लाइम है, लाइम लेमन नहीं है, ये लाइम डाल रही हूँ मैं। नींबू समझ तो गए होंगे। और थोड़ा सा ये मेरे पास पहले से कटा हुआ पड़ा हुआ था, ये भी डाली हूँ 1.5। ठीक है जी, 1.5 हो गया। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छा सा। ये नजर आ रहा है, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा जी, ये मिक्स हो गया यहाँ पर। ये इसकी मैरिनेशन का सामान है, बड़ा सिंपल सा है, बड़ी इजी सी रेसिपी है, बड़े मजे की बनेगी इंशाल्लाह। ये अब ये देखेंगे तैयार हो गया। अब उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है ये चिकन। ये चिकन मैंने धो के रख लिया था, ये 900 ग्राम है। ठीक है जी, चिकन धो के रख लिया हुआ था। अब इसको मिक्स कर देना अच्छे से, और इसको 1 से 2 घंटे बहुत है, बहुत है। अच्छे से बस ये कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि इसके ऊपर ना कोट हर तरफ से हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, कोई जगह रह ना जाए। अच्छा, मैंने सॉल्ट नहीं डाला, मैं ये बता दूं जिसको ज्यादा तेज शौक से खाते हैं वो खाओ डाल सकते हैं। ऑलरेडी ये मैंने पैकेट का मसाला यूज किया तो इसमें ऑलरेडी सॉल्ट, और हम लोग इतना ज्यादा नमक नहीं खाते कि वो भी डालूं तो मजीद वो नमक नमक ही हो जाए। सो प्लीज, अगर होममेड है तो, अगर होममेड बनाया ना चिकन तंदूरी मसाला तो वो फिर उसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बाजार का था तो इसमें आपको वो जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है। ठीक है जी, अब ये देखें मैरिनेशन इसकी डन हो गई है। अब मैं इसको रख दूंगी 1.5 आवर भी रख सकती हूँ, 2 आवर्स भी रख सकती हूँ, आपका जो है जब आपने पकाना हो। मैंने तो अभी इसको कम से कम 1.5 आवर रखूंगी, इसके बाद में इसको इंशाल्लाह करूंगी, भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैरिनेशन हुआ भी काफी टाइम गुजर गया। अब लिया है पैन मैंने, इसका फ्लेम देख लें बहुत तेज नहीं है, और इसको पैन में डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं।
और उसके बाद हम ऐड कर देंगे चिकन उसमें और उसको कुक कर लेंगे सिंपल। बिस्मिल्लाह, ये देखिए अच्छा। आपको एक और बात बताऊं कि इसमें आप बोनलेस भी ले सकते हैं। मुझे विद बोन चाहिए था, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था तो उन्होंने कहा विद बोन, सो मैंने विद बोन को प्रेफर किया। चिकन की बात कर रही हूँ तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, मटन तभी बना सकते हैं। चलिए जब इसको एक साइड से कुक कर लेते हैं फिर उसकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छा ये देखिए अच्छे से एक साइड से कुक हो गया, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। पानी भी छोड़ दिया मैंने, कोई पानी शानी ऐड नहीं किया इसमें। ये देखिए कितना जबरदस्त। इसी तरह इसकी सारी साइड चेंज कर लेंगे और अच्छे से इसको दोनों साइड से पका लेंगे। अच्छा जी चिकन हो गया है बिल्कुल डन। मैं क्लोज इसका दिखा दूँ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, कुक हो गया, फुल ड्राई भी अच्छे से हो गया। अच्छा उसके बाद ये दूसरी तरफ जो आपको ये नज़र आ रही है आग, ये मैं कोयला एक्चुअली कर रही हूँ इसी के लिए, स्मोक के लिए। पहले मैं इसमें थोड़ी सी जगह बना दूँ, ये सेंटर में रखूँगी ये ऐसे, ठीक है जी। अब इसको बंद कर देते हैं चूल्हे को। ये छोटी सी प्लेट बनाई है मैंने, छोटी सी। और उसके बाद ये कोयला रख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसकी कवर कर दिए, ठीक है जी। इसको अच्छे से कवर करके, अच्छे से तो नहीं हुआ खैर है, उसकी अच्छी से स्मोक चली जाएगी उसके अंदर। उसके बाद इसको डिश आउट करते हैं और डिश आउट करते हुए क्रीम इसमें ऐड करनी है, वो मैं आपको पूरा बताती हूँ। अच्छा जी अब ये करने लगी हूँ मैं क्रीमी इस चिकन को। ये एक बड़ा सा कोई सा बर्तन ले लें और उसमें डाल दें क्रीम। क्रीम ये ले ली मैंने, ये थिक क्रीम है, ठीक है, थिक क्रीम ले ली ये मैंने, इसको खा ली। और उसके बाद ओके सॉरी ये है मायोनीज एक स्पून, ठीक है, 1 टेबल स्पून है फुल बराबर। थोड़ी सी साथ में चिली फ्लेक्स जिसे भी आप पसंद करते हैं, मिर्च ज़्यादा या कम। हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छा मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है ये क्रीम, मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून के करीब, दैट्स इट। ये डाल लिया, मिक्स कर लिया। और लास्ट में इसमें करूंगी मैं टिक्का मसाला थोड़ा सा ऐड। अच्छा जिसके पास ये माइनस नहीं है तो माइनस के बगैर क्रीमी टेक्सचर भी बड़ा ज़बरदस्त सा आता है, ठीक है। अच्छा ये जस्ट सिर्फ टेस्ट के लिए क्रीम में टिक्का मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा 2 साइड
से तीन चुटकी करके लिए। ठीक है, ये लेंगे कलर आ गया चेंज, पिंक का हो गया कलर थोड़ा। अब इसमें डालेंगे जी हमारा चिकन। मैं आपको डिश आउट करके और इसको मिक्स करके सारा दिखाती हूँ। अच्छा से इसको हो जाए कवर। अच्छा, चिकन को इस तरीके से इतना गलाइएगा बस कि वो बाद में टूटे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसको मिक्स करते हुए इसके अच्छे तरीके से कोटिंग करते हुए बोटियाँ टूट ना जाए। अच्छा ये हो, ये देखें जी ये हो गया रेडी हमारा तंदूरी चिकन, ज़बरदस्त है, यम्मी सा। मैं जूम करके दिखा रही हूँ डिश आउट कर लेने के लिए।